दरअसल वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा में एकमत होकर इसे भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया। उस दिन से हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है तो हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। धन्यवाद। जय हिंद। है जिस देश की शान मेरी हिंदी महान। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और सन 1949 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हिंदी भाषा बोलने में और समझने में बहुत ही आसान है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक यह भाषा आसानी से समझ सकते हैं और बोलते हैं। तो हमें हर दिन अभी के इसमें हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग करना जरूरी है। तो आज के दिन हम यह प्रण करते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो और हिंदी सिखाओ। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर, आज के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, पूरे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए उसे हमारे भारत देश की मातृभाषा कहते हैं। देश की यह शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। देश की यह शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। इसी प्रकार बच्चों, आपके दोस्तों ने भी कुछ नारे लगाए हैं। चलो हम सुनते हैं। धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। मेरा नाम दुर्वा समाधान काले है। मैं कक्षा 4 से पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एकता की जान है, हिंदी हमारी शान है। हम हिंदी तो सब हिंदी। जय हिंद। माता के माथे की राजभाषा हिंदी, जिसका नारा है वह भारत सबको प्यारा है। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी का सम्मान करो, दुनिया में नाम करो। हिंद देश के वासी है हम, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामना। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसका विकास करना है। हिंदी भाषा पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। सभी लोग, हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं ना, पर हिंदी की हिंदी तो है
देश की भी।